दोस्तों हम लोग सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप और नेवले की इस लड़ाई में आखिर सांप की हार और नेवले की जीत क्यों होती है? जबकि सांप एक जहरीला जानवर है और अपने जहर के दम पर बड़े से बड़े जानवर को भी मार सकता है, तो आखिर सांप नेवले के सामने क्यों हार जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों सांप और नेवले की इस लड़ाई में एक बात तो साफ है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, जबकि नेवला सांप को मारने और खाने के लिए उस पर हमला करता है। नेवले की जो चीज सांप को सबसे ज्यादा भारी पड़ती है वो है उसकी फुर्ती, क्योंकि जब तक सांप अपनी एक चाल चलता है तब तक नेवला कई चालें चल चुका होता है, जो सांप की हारने का बड़ा कारण है। और वही दूसरी चीज होते हैं नेवले के सख्त बाल, जो सांप के जहरीले डंक को उनके शरीर के अंदर नहीं पहुंचने देते। साथ ही नेवले के शरीर में जहर से लड़ने के लिए ऐसे एसिड होते हैं जो जहर के असर को खत्म कर देते हैं, इसलिए जीत हमेशा नेवले की होती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।